खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, दिल्ली का दम घुटता है कुछ इस तरह, इसलिए एबीपी न्यूज लगातार सुबह से रख रहा है आपके सामने दिल्ली एनसीआर की हर तस्वीर। सीधे लिए चलते हैं आपको पंजाब के अमृतसर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता गगनदीप। और गगनदीप, आपके पास हम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के बच्चों से दिल्ली के बच्चों की तरह बात करते हुए कहा कि अमरिंदर अंकल से कहिए कि अपने राज्य में किसानों को पराली ना जलाने दे। आपके पीछे मुझे पराली दिख रही है, स्थिति क्या है वहां पर? क्या कोई रोक लगी है या अभी भी दस्तूर जल रही है पराली? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंजाब में कुछ रोज पहले तक बादस्तूर ही पराली ऐसे ही जल रही थी। जिस खेत में मैं इस समय खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि जहां भी पराली काट के रखी गई है, सिर्फ इसको सुखाने के लिए रखा गया है। और आज और जो हमें जानकारी दी गई, आज और कल इसे सुखाया जाएगा और उसके बाद इसको आग लगा दी जाएगी। लेकिन पिछले 10 दिनों में ये कम हुआ है। सरकार की तरफ से सख्ती की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जो किसान हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं और सरकार भी उनको थोड़ी बहुत डील दे देती है, जिस कारण वो अपनी पराली लगातार जला देते हैं। और जिस कारण आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी जो धुएं का कहर है, वो जो जब हम सुबह यहाँ आए थे तो धुएं का कहर यहाँ भी बहुत ज़्यादा था। अब सूरज निकल आया है तो धुएं का जो ये कहर है थोड़ा कम हो गया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, मैं किसानों से आप बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किसान क्यों पराली जलाते हैं। सरपंच जी, क्यों पराली जलाने की क्या मजबूरी है? दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि पंजाब की वजह से सारा प्रदूषण वहाँ हो रहा है। पहली बात तो यह है भी, आप अगर जो भी खेती से पोल्यूशन हो रहा हो तो 5% हो रहा है। इसके लिए जो किसान है वो सॉफ्ट टारगेट है, मीडिया भी करता है, सरकारें भी कर रही हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। दूसरा बात है, पंजाब खुद पोल्यूशन से पीड़ित है, यहाँ भी बहुत सारी बीमारियाँ समस्या। हम कभी भी नहीं किसान चाहता कि वो पराली को आग लगाए। अब हमें सरकारें बताएं कि उन्होंने क्या हमारे लिए किया? कुछ भी तो किया नहीं। जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि 5 एकड़ तक के किसान को जो खेती मशीनरी मुक्त दीजिए, 5,000 रुपया लेके दिए। अब हमारा गाँव इधर देख लिए, 10-15 गाँव में जाइए, आप कहीं देख लिए, कोई हमें मशीनरी नहीं देगी, ये पराली कटी हुई, हम इसको आग नहीं लगाते। सरकार आ जाए, सरकार इसको गला के बता दे हम नहीं लगाएंगे, इसका कोई हल ही नहीं है। सरपंच जी, इससे आपको खुद को भी तो नुकसान होता है ना, आपके बिल्कुल गगन हम देख रहे हैं, किसान की अपनी मजबूरी है, सरकार अपनी मजबूरी का रोना रोती है। दिल्ली की सरकार हरियाणा पंजाब पर जिम्मेदारी डालती है और जो हरियाणा और पंजाब का किसान है वो कहते हैं हमारे लिए कभी कुछ नहीं हुआ।